हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब के हमारे चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। जो भी आपके मित्र सहयोगी फ्रेंड्स हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें जिससे कि अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सके। फ्रेंड्स, अगर आप बैंकिंग, रेलवे, SSC, PCS, UPSC किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी स्टडी रिलेटेड हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं जिससे कि आप अपने स्टडी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या न्यूज़ बनी हुई है। जो वैकेंसी निकली हुई थी रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की और टेक्नीशियन की, तो उसका क्या लेटेस्ट न्यूज़ बना हुआ है। फ्रेंड्स, जो आपका पूर्व में रिजल्ट दिया गया था LP और टेक्नीशियन का, तो उसमें अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स का जो है रिजल्ट नहीं आया। टोटल कैंडिडेट 38 लाख अपेयरिंग हुए थे, 45 आपका अप्लाई किए थे कैंडिडेट। ठीक है फ्रेंड्स, 45 कैंडिडेट अप्लाई किए थे जिसमें से 38 लाख अपेयरिंग हुए थे, और जो रिजल्ट दिया गया था, पब्लिश किया गया था, वो 5 लाख कैंडिडेट का जो है रिजल्ट जो है आपका दिया गया था, जिसमें सीटों के 15 गुना बुलाना था अभ्यर्थियों को। आपका 60,000 सीटें थी, यानी 9 लाख स्टूडेंट को बुलाना था, परंतु मैक्सिमम स्टूडेंट जो है कटअप को क्लियर नहीं कर पाए थे। जो कटअप रखा गया था 30-35%, 40% ETC कैटेगरी वाइज, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है इस कटअप को क्लियर नहीं कर पाए थे, तो इसलिए 5 लाख कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया था। ये आपको 2 नवंबर 2018 को दिया गया था, लेकिन काफ़ी कंप्लेन होने के बावजूद इसका फिर से रीशेड्यूल बना है। अब 7 लाख स्टूडेंट्स का जो है रिजल्ट दिया जाएगा, मीन्स इसमें से 2 लाख एक्स्ट्रा कैंडिडेट को और दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट इसमें अपेयरिंग हुए हैं 38 लाख, ये उन सभी के लिए है कि किसी का भी इसमें रिजल्ट आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी का भी रिजल्ट आ सकता है, तो इसलिए आप अपडेट बने रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो न्यू नोटिफिकेशन आया है ये आपको 4 दिसंबर को आया है। पूर्व में जो निर्धारित की गई थी एग्ज़ाम की डेट 24 दिसंबर, उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्या बनी हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, LP एंड टेक्नीसियन पोस्ट, नोटिस ऑन रिवाइज शॉर्ट लिस्टेड डेट, एग्ज़ाम डेट, सेक्शन वाइज मार्क्स एंड सेकेंड एस्टेसिविटी। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेज जो आपका दिया गया था वही 2 नवंबर का वही है। फ्यू कैंडिडेट दैट देर आर इनर इन द क्वेश्चन ट्रांसलेशन। सेकेंड स्टेज आपका पब्लिश बाई 20 दिसंबर। देखिए, सेकेंड स्टेज का रिजल्ट आएगा 20 दिसंबर 2018 को आएगा।
हैज़ बीन रिशेड्यूल 21 एंड 22 एंड 23 जनवरी 2019, ये आपका नया एग्ज़ाम डेट रखा गया है। एग्ज़ाम आपका दो पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है फ्रेंड्स, पार्ट बी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ट्रेड वाइज होगा, जिसमें आपको 60 मिनट दिया जाएगा 75 क्वेश्चन के लिए। पार्ट ए आपका मेरिट वाइज होगा, मेरिट बनाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा 19 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, पार्ट ए के बारे में वही है, 19 मिनट दिया जाएगा, 120 मिनट पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, निगेटिव मार्किंग रहेगा। इसके लिए आपको जो है सिलेबस दे दिया गया है, मैथ में आपको 25 क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 10 नंबर का। ठीक है फ्रेंड, इसलिए टोटल 100 क्वेश्चन इस तरह रहेगा। नेक्स्ट आपका पार्ट बी, जो कि 60 मिनट का होगा, पीडब्ल्यूडी के लिए 80 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75, 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग इस पर भी रहेगा। ये आपका जो आपका आईटीआई सिलेबस है, जो ट्रेड वाई डीजीटी आईटीआई एनएसए, उससे रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें आपको मस्टली पास करना ज़रूरी है। पास तो आपको बहुत पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में पास करना ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, जो मिनिमम है उसको क्राइटेरिया पूरा करना है, उसके बाद ही कट ऑफ क्लियर होगा। ये आपको 4 दिसंबर को निकला गया है, सभी ऑफिशियल साइट पे। ठीक है फ्रेंड्स, रेलवे के सभी ऑफिशियल साइट पे दिया गया है, जिस बोर्ड में आप फिलअप किए हैं उसमें ऑफिशियल साइट पर दे दिया गया है, ऑल इंडिया रेलवे बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाकर, नहीं तो जो बताया जा रहा है ये भी आपको ऑफिशियल न्यूज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, सर्टिस्फेक्शन के लिए आप ऑफिशियल साइट पर जा सकते हैं, ये सारी सूचनाएँ जो है ऑफिशियल है, इसमें 100% ट्रूथनेस है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे यही मोटिव रहता है कि आपको 100% ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया जाए, जो ट्रूथ हो। ठीक है, कोई भी रॉन्गली न्यूज़ नहीं प्रोवाइड किया जाए, यही हमारी मोटिव रहता है। तो फ्रेंड्स, जो आपका रिशेड्यूल नया जो है रिजल्ट 20 दिसंबर को आएगा, और नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका CBT 2 21, 22 एंड 23 जनवरी 2009 को होगा। ठीक है फ्रेंड, इस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन करें, जो भी फ्रेंड्स मित्र सहयोगी उन्हें ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सके। अगर आप बैंकिंग, रेलवे, SSC, PCS, UPSC किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। जो भी मित्र सहयोगी फ्रेंड्स उन्हें ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सके। आपके सुझाव सादर आमंत्रित, वीडियो में क्या कमियाँ रह गई हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि इम्प्रूवमेंट किया जा सके। कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू फ्रेंड, थैंक यू ऑल ऑफ यू।